हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। टॉपिक हम करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज। चैप्टर 4 का ये टॉपिक है जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? हु गेट्स कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस, यानी वो फर्म या वो इंडिविजुअल जिसे कॉम्पेंसेशन मिलता है लॉस होने पर या कोई डैमेज होने पर, या कि जो इंश्योरेंस खरीदता है वो हो गया इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन हो गया? इंश्योरर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी होगी आपकी इंश्योरेंस, यानी जो इंश्योरेंस देती है वो कौन हो गया? इंश्योरर। या फिर हु एग्रीज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, यानी कॉम्पेंसेशन देने वाला इंश्योरर और कॉम्पेंसेशन लेने वाला इंश्योर्ड। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इसका मतलब क्या है? लॉसेस जो आपके होते हैं या जो रिस्क होते हैं। काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं फायर इंश्योरेंस। Here loss is compensated if it is due to fire. So, इस केस में जो है नुकसान क्या हुआ है आपका, लॉस क्या हुआ? फायर की वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो हो गया आपका हैपनिंग ऑफ द इवेंट, और उसी लॉस के लिए आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट, ये एक पेमेंट होती है। पीरियोडिकली हम इसका देते हैं, चाहे एनुअली हो चाहे सिक्स मंथ्स में हो। कौन देता है? इंश्योर्ड देता है। किसको देता है? इंश्योरर को, यानी जो इंश्योरेंस खरीदता है वो किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देगा। क्यों देगा? उसका रीजन क्या है? ताकि उसे कॉम्पेंसेशन मिले, यानी जब भी कोई लॉस हो, उसे कोई डैमेज हो, उसके बदले उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाए, इसलिए वो प्रीमियम देता है। नेक्स्ट आपका टर्म है इसमें पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट। और ये रिटर्न एग्रीमेंट किन किन के बीच में होगा? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, यानी जो इंश्योरेंस खरीदता है और जो इंश्योरेंस बेचता है, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट। और इसमें क्या क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। अब मेन टॉपिक इसमें आता है कि इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या। इतने सारे टर्म्स तो अब हमने पढ़ लिए, वो इसलिए पढ़ाए हैं मैंने आपको ताकि ये सब समझने में आपको आसानी हो जाए। सो इंश्योरेंस क्या? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यानी इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपका ये इंश्योरर हो गई आपकी कंपनी और इंश्योर्ड हो गया जो कि इंश्योरेंस खरीदता है, तो इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। अब उसमें क्या होता है? हेयर इंश्योर्ड पेज रेगुलर प्रीमियम टू इंश्योरर, और जो कि इंश्योरेंस खरीदता है वो क्या करता है? रेगुलर प्रीमियम देता है, यानी एक पीरियोडिक पेमेंट देता है इंश्योरेंस इंश्योरर को, यानी इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इंश्योर्ड जो है इंश्योरर को पीरियोडिक पेमेंट देगा, प्रीमियम देगा, और उस प्रीमियम के बदले वो इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर क्या करेगा बदले में? उसको कॉम्पेंसेशन देगा। कॉम्पेंसेशन कब देगा? जब उसे कोई लॉस या डैमेज होगा। तो ये छोटी सी बात थी कि इंश्योर्ड पहले प्रीमियम देगा और फिर इंश्योरर बाद में कॉम्पेंसेशन देगा अगर लॉस होता है तो। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी कैसे प्रोवाइड करती है देखते हैं। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द सर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस। अभी सबको पता है कि बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, चाहे आग लग जाए, चाहे कोई भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी होता है, मशीन अपनी कोई भी है, स्टॉक अपना खराब हो सकता है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। तो अब बिजनेस एक में अनसर्टेनिटी है, इंश्योरेंस उस चीज को तो हटा नहीं सकता, है ना भाई, जो आपदा आनी है वो तो आएगी आएगी। बट इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट या कंपेंसेशन फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। बट ये किस चीज की सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है? ये इस चीज की जो है सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। ये इंश्योरेंस क्या बोलती है कि मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन या पेमेंट दूंगी अगर तुम्हें लॉस हो जाता है तो। तो हमें इस चीज की सर्टेनिटी है कि हमें पेमेंट मिलेगी अगर हमें लॉस हो जाएगा तो। नुकसान तो नहीं रोक सकते लेकिन नुकसान की भरपाई जरूर कर देगी इंश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रोटेक्शन। अभी प्रोटेक्शन कैसे देता है? इंश्योरेंस कांट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ द रिस्क और लॉस। जैसे कि अभी समझाया कि रिस्क और लॉस को भाई इंश्योरेंस के अब कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई प्रॉब्लम आनी है तो आएगी आएगी। बट इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय कंपेंसेटिंग फॉर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट। यानी ये क्या करेगी कि कॉम्पेंसेशन दे देगी हमें जो भी लॉस होगा उसके लिए। तो इस तरह से हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ, हमें पता है, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए कि कोई है जो हमें पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है वो चलता है तो जब उसके पेरेंट्स साथ में होते हैं तो उसको डर नहीं रहता है कि मैं साइकिल चला रहा हूं तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसी जब प्रोटेक्शन हमें कैसे मिल रही है इंश्योरेंस से कि हमें पता है कि बाय चांस बिजनेस में रिस्क है, कुछ नुकसान होगा तो हमें पैसे मिल जाने हैं उस चीज के, कोई भी लॉस होता है तो।
अगला पॉइंट करते हैं रिस्क शेयरिंग। अब ये क्या कह रहा है कि रिस्क जो है इसमें शेयर कर सकते हैं कई लोग। ऑन हैपनिंग ऑफ द रिस्क इवेंट लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पर्सन एक्सपोज टू इट। पर्सन एक्सपोज टू इट का मतलब है यानी ऐसा रिस्क जिससे क्या होता है जितने भी लोग एक्सपोज से मतलब है जितने लोगों को रिस्क हो सकता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है उसमें 3 काम मालिक हैं उसके पार्टनर हैं या जो भी बोल सकते हैं। तो जब फैक्ट्री को नुकसान पहुंचेगा फैक्ट्री में आग लगेगी तो वो एक्सपोज्ड यानी कौन कौन रिस्क झेलेगा भाई वो 3 लोग झेलेंगे रिस्क जिनकी फैक्ट्री है ना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं इस लॉस को शेयर कैसे कर सकते हैं। शेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम। यानी वो तीनों मिलके जो है थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस खरीद लेंगे जिससे क्या होगा वो उनका जो लॉस है वो शेयर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी इंश्योरेंस से कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। फंड्स ऑफ इंश्योरर रिसीव थ्रू प्रीमियम पेमेंट्स आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स। अभी क्या होता है हम लोगों ने इंश्योरेंस करी मैंने बताया कि हम लोग प्रीमियम देते हैं जैसे कि एनुअली दे दिया या 6 मंथ्स में दे दिया या क्वार्टरली जैसे भी दे दिया ठीक है। तो हमारा जो प्रीमियम है हमारा जो पैसा है जो मिलता है इंश्योरेंस कंपनीज को वो क्या करती है उस पैसे का उसे इन्वेस्ट कर देती है पैसे को ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करती है जहां से उन्हें इनकम जनरेट होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सो सबसे पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का मतलब है कि इंश्योरेंस जो है वो फेथ पर विश्वास पर बेस्ड है। कैसे इंश्योर्ड शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। अभी जो इंश्योर्ड है यानी जो इंश्योरेंस खरीद रहा है भाई उसको सारे मटेरियल फैक्ट सारे अपने जितने भी है वो चीजें बतानी है कुछ भी नहीं छुपाना है ठीक है। एंड इंश्योरर मस्ट क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर्ड ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगी जो कि इंश्योरेंस खरीद रहा हो उसको ठीक है। इफ इंश्योर्ड हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट। अगर इंश्योर्ड जो होता है वो कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाता है यानी जो इंश्योरेंस खरीद रहा है वो कोई भी बात छुपाता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में पता लगता है तो क्या होता है इट कैन रिफ्यूज टू पे कंपेंसेशन। वो मना कर सकती है भाई मैं कंपेंसेशन नहीं दूंगी। जैसे कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं उसको दिल की बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है और उसको पता है कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा मर जाएगा और उसने ये बात छुपा दी तो बाद में पता लगा कि उसको तो बीमारी थी ठीक है उसने हमसे नहीं छुपाई ये बात तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसे देने से मना कर सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। यानी इंश्योर्ड यानी जो भी इंसान इंश्योरेंस खरीद रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस इंश्योरेंस में। आई नो नहीं समझ आया होगा इसका मतलब आगे क्लियर हो जाएगा। इस लाइन का मतलब है कि सो दैट ही और शी विल सफर फाइनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगेंस्ट विच ही इज इंश्योर्ड। यानी वो जिस चीज की इंश्योरेंस ले रहा है अगर वो लॉस हो जाता है उसे तो उसे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियली बहुत सफर करना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट से मतलब है यहाँ पे कि जिस चीज की वो इंश्योरेंस करा रहा है अगर वो चीज का नुकसान हो जाता है या डैमेज हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी वजह से झेलनी पड़ेगी। अब देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और चिल्ड्रन। एक आदमी कोई भी अपने बीवी की अपने हस्बैंड वाइफ किसी की भी अपने बच्चों की पॉलिसी तो ले सकता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकिन किसी आउटसाइडर या स्ट्रेंजर की नहीं ले सकता ठीक है क्योंकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो स्ट्रेंजर मर भी जाए उसके क्या सेहत पे फर्क पड़ रहा है उसको तो अपनी जो भी है परिवार से मतलब है ना। अगला पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनडिमिनिटी। इसका क्या मतलब है इंश्योरेंस पर्पस इज टू ब्रिंग बैक इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस। अब इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या होता है इंश्योरेंस जब कोई खरीदता है उसका मतलब है कि भाई जितना भी जो से लॉस हुआ है उससे पहले जो कंडीशन थी उससे पहले जो फाइनेंशियल पोजिशन थी सेम उसी पे लेके आना है उसको जो भी बंदे ने खरीदी है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली ठीक है 2 लाख रुपए की कि अगर आपको नुकसान हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए तक पैसा मिल जाए लेकिन आग लगने से क्या हुआ आपको 1 लाख का नुकसान हो गया।
तो इंश्योरेंस कंपनी पता क्या करेगी, आपको 1 लाख रुपए देगी, 2 लाख नहीं देगी, बेनिफिट तो ना कराएगी इंश्योरेंस कंपनी आपका, आपको सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे ले आएगी। यानी आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए लाकर बिल्कुल पहली वाली जगह पे लाके खड़ा कर देगी। ठीक है, इट डज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। अभी लाइफ इंश्योरेंस पे रूल अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि बिकॉज वी कांट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। क्योंकि पर्सन अगर कोई मर जाए, कोई भी इंसान अपना मर जाए, तो हम एस्टिमेट थोड़ा कर सकते हैं भाई इसके मरने से हमें इतने लाख का नुकसान हो गया है तो हमें इतने ही लाख रुपए मिल जाए। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। चलो फोर्थ पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉज। इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली इफ लॉस इज कॉज्ड बाय द रीजंस स्टेटेड इन द पॉलिसी। अभी जो पॉलिसी होती है आपका इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारे रीजन लिखे होते हैं कि भाई जिस भी चीज की तुमने इंश्योरेंस ली है अगर इन चीजों से कोई तुम्हें नुकसान होता है तो हम पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर लॉस होता है वो किसी और रीजन से होता है, सम अदर रीजन, या किसी मिसहैपनिंग से हो जाता है, तो इंश्योरर जो है वो पैसे नहीं देगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। वो सिर्फ पैसे कब देगी जबकि आपकी पॉलिसी में लिखा होगा कि ये कारण होना चाहिए। अगर उसी कारण से है तो आपको पैसा मिल जाएंगे, अगर कोई दूसरे कारण से नुकसान हुआ है तो पैसा नहीं मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, आपने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, आपको वीट के बैग्स कुछ भिजवाने थे कहीं पे, लेकिन रस्ते में क्या हुआ, आपकी शिप में कहीं से चूहे घुस गए और चूहे ने सारी वीट खराब कर ली, तो इस चीज के पैसे नहीं देगी भाई, वो तुम्हारी गलती है, चूहे क्यों घुसने दिए, पहले निकाल देते, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेशन नहीं देगी, वो सिर्फ पानी से रिलेटेड या शिप डूबने से रिलेटेड जो भी अगर आपको नुकसान होता है तब पैसे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अभी ये क्या बोल रहा है, नाम बड़े अजीब अजीब से हैं सारे, ऐसे पता ही नहीं लगता है कि नाम में क्या है और अंदर क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। When insured got compensation for the loss or damage to the property which was insured by him, then right of ownership of damaged property passes on to the insurer। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये, पता है क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि क्या हुआ, आपने एक जो है आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, आपको कोई भी नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे आग लगी, आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, फिर क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच वॉज इंश्योर्ड बाय हिम, मतलब जो भी आपने जिस भी चीज की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा था आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, फिर वो जो प्रॉपर्टी होगी ना डैमेज प्रॉपर्टी, जितना भी सामान होगा या जो भी होगा सारा इंश्योरर के पास चल जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास चल जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बिकॉज इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग दैट डैमेज प्रॉपर्टी। पता है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई डैमेज हो गई है वो प्रॉपर्टी और उसके पैसे आप ले चुके हो इंश्योरेंस कंपनी से, कॉम्पेंसेशन ले चुके हो, है ना। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने उसको बेच दिया और फिर प्रॉफिट कमा रहे हो या डबल डबल प्रॉफिट उठा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले लिए और जो सामान था वो रद्दी में बेच के उससे भी प्रॉफिट कमा लिया, ऐसे आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, इफ यू टुक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, सपोज आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और सच में आग लगी, आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और चलो आपको कंपेंसेशन मिल भी गया 1 लाख रुपए, फिर आपने क्या किया, सोचा चलो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, 1 लाख रुपए मिल गए, अब मेरे जितने भी गुड्स या प्रॉपर्टी जो भी डैमेज हुई है ना मैं उसको बेच देता हूँ, आपने 10,000 रुपए के बेच दिए वो सारे रद्दी में, ठीक है। तो क्या होगा, वो 10,000 रुपए आप नहीं रखोगे, वो 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, क्योंकि वो जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो अभी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होगी, अब आपको उस पर कोई हक नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन सेम प्रॉपर्टी। अब आपने क्या किया, एक ही फैक्ट्री के लिए एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, एक 1 लाख की खरीद ली और एक 1.5 लाख की खरीद ली, देन ऑल द इंश्योरर्स विल शेयर द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एज्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। तो पता है क्या होगा, आपके जितने भी इंश्योरेंस, यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो इंश्योरेंस ली होगी, जब आपको लॉस होगा तो पता है क्या होगा, वो सारे के सारे, आपने जैसे कि 2 इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो 2 आपस में इंश्योरर मिलके क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर आपको दे देंगे इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एज्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। यानी जितने की भी आपने दी होगी ना, जैसे किसी से 1 लाख की ली इंश्योरेंस, किसी से 1.5 लाख की ली, किसी से 2 लाख की दी, तो उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो अपना अपना जो पैसा है कॉम्पेंसेशन का वो आपको दे देंगे। ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 3 इंश्योरेंस पॉलिसी ली सेम प्रॉपर्टी के ऊपर और उसमें आग लगी, आपने बोला कि तीनों इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भाई मेरे को पैसे लाओ मेरे तो आग लगी, ऐसा नहीं होगा कि तीनों से आपको पैसा मिल जाएगा, 1 लाख का नुकसान हुआ है और आपने 3-4 लाख का फायदा कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट और लास्ट आपका इसमें है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. देखते हैं ये क्या बोलता है. इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू टेक केयर ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. भाई ये आपने इंश्योरेंस ली है, मान ली बात चलो, लेकिन आपका यह कर्तव्य है कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे एंड ट्राई ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मिनिमाइज द डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. और अगर उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि वो जो नुकसान और डैमेज हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी को वो कम से कम हो. If proper care is not taken, then claim from insurance company may be lost. अगर आप नहीं उसकी केयर कर रहे हो अच्छे से, ठीक है कि नुकसान हो रहा है तो चल होने दे, और नुकसान होने दे, अच्छा ही है, मेरे को क्या है, मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, मैं तो दोबारा सब कुछ खड़ा कर लूंगा. ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से. इफ अ पर्सन, सपोज एक आदमी है, उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सच में उसको आग लग गई उसकी फैक्ट्री में या घर में, तो क्या होगा, वो कोई स्टेप नहीं उठा रहा है कि भाई आग को रोके, बल्कि दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है, अरे आग लग गई, छोड़ ना, लगने दे, अच्छा है दोबारा से नया घर बनाऊंगा, कंपनसेशन तो मेरे को मिलना है, टेंशन की क्या बात है. तो ऐसा नहीं करोगे आप. अगर ऐसी ये चीज नजर में आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी के कि आपने कुछ ऐसा किया है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. चलो प्रिंसिपल्स अब खत्म हो गया, अब ये लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, वीडियो को ज्यादा ही लंबी खिंच गए. इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है. सो इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन ओनली इफ ही सफर्स अ लॉस और अ डैमेज. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर जो इंश्योर्ड है, जो इंसान इंश्योरेंस खरीद रहा है, उसको कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा, अगर उसको कोई डैमेज हुआ है या कोई लॉस यानी कुछ नुकसान हुआ है तभी उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. बट एश्योरेंस के केस में क्या है, सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स लॉस और नॉट. इसमें क्या है, चाहे उसको लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, कोई ना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन पैसे तो देने ही देने पड़ेंगे. लेकिन इसमें पैसे अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो नहीं देने पड़ेंगे. इंश्योरेंस टर्म कब यूज होती है, इज यूज व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन. जब आपका रिस्क या जो लॉस है वो अनसर्टेन है. अनसर्टेन का मतलब है मे और मे नॉट हैपन, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब 50-50% चांसेस है ना भी हो. अब जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जरूरी थोड़ा ना आग लगनी है ना. एश्योरेंस वर्ड कब यूज होता है, व्हेन रिस्क इज सर्टेन, यानी जब वो रिस्क होना ही होना है, बाउंड टू हैपन, यानी वो चीज होनी ही होनी है. एग्जांपल देखते हैं, इसमें है लाइफ इंश्योरेंस, यानी डेथ भाई होनी है, सबको मरना है, कोई अमर नहीं है इंसान, है ना, तो बाउंड टू हैपन, वो चीज होनी होनी है वो रिस्क. फायर इंश्योरेंस, आग लगना जरूरी थोड़ा ना, आग लगेगी लगेगी और हर एक फैक्ट्री में आग लगती है. एक और पॉइंट रह गया, कंपेंसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट और लॉस. और कंपेंसेशन इसमें कब मिलेगा, जब वो इवेंट हो जाएगा या वो लॉस हो जाएगा तब कंपेंसेशन आपको मिल जाएगा. और इस केस में कंपेंसेशन मिलना ही मिलना है, चाहे वो चीज हो या ना हो. इसी के साथ आपका ये इतना बड़ा सा टॉपिक खत्म हुआ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.